अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील है और आप देख रहे हैं 4K DTH इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पाक सेट 38 ईस्ट की साइड से एक्सप्रेस 40 ईस्ट KU बैंड सेटेलाइट लगा कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने पाक सेट 38 ईस्ट को सेट कर लिया है, उसके सिग्नल और चैनल दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसकी साइड से KU बैंड सेटेलाइट एक्सप्रेस 40 ईस्ट को लगा कर दिखाऊँगा। दोस्तों, देखेंगे वतन HD और कौन कौन से चैनल एक्सप्रेस 40 ईस्ट पर चल रहे हैं, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से चैनल इस सेटेलाइट से बंद हो चुके हैं। तो चलें दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्रेस 40 ईस्ट KU बैंड सेटेलाइट की अपडेट दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप पाक सेट 38 ईस्ट की साइड से किस तरह लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप देख लें। आपको एक्सप्रेस 40 ईस्ट के लिए ये फीड हॉर्न काटना होगा, जैसे मैंने आपको तुर्क सेट 42 ईस्ट के लिए बताया था। तो दोनों सेटेलाइट के लिए आपको ये फीड हॉर्न इस तरह से काटना होगा और यहाँ पर एक DD पट्टी छोटी सी लगानी होगी। तो ये देख लें, ब्लैक कलर की केबल मैंने वीडियो वाले सेटेलाइट फाइंडर पर लगा रखी है। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, आपके सामने PTV क्लियर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों जियो को देख लेते हैं, ये देख लें जियो भी आपके सामने क्लियर चल रहा है। तो ये पाक सेट के चैनल हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्रेस 40 ईस्ट की आसान तरीन फ्रिक्वेंसी बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक्सप्रेस 40 ईस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देख लें दोस्तों, एक्सप्रेस 40 ईस्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। 11470 सिम्बर रेट है, 4247 पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल, ये इसकी आसान तरीन फ्रिक्वेंसी है दोस्तों। तो ये देख लें दोस्तों, ब्लू कलर का केबल का टुकड़ा मैंने लगाया है KU बैंड LNB के साथ और सिग्नल वाले सेटेलाइट फाइंडर के साथ। तो यहाँ पर आप देख लें जियो आपके सामने क्लियर चल रहा है। तो चलें दोस्तों, अब इसको लगाने की कोशिश करते हैं। आपने सिंपली इसे इस तरह लगाना है जहाँ भी सिग्नल रिसीव, तो यहाँ पर हमें सिग्नल रिसीव हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखें 3 पॉइंट, यहाँ पर 9 पॉइंट तक भी, ये देखें 6.0, 6.9, 7.7। तो इस जगह पर दोस्तों मैं इसे मुकम्मल लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, इस तरह से आपने इसे इस सेटेलाइट को लगाना है। तो चलें दोस्तों, इस जगह मैं इसे मुकम्मल लगा कर आपको दिखाता हूँ। चलें दोस्तों, पाक सेट 38 ईस्ट की साइड से मैंने एक्सप्रेस 40 ईस्ट KU बैंड सेटेलाइट को लगा लिया है। तो ये ब्लैक कलर की केबल देख लें जो मेरे सिग्नल वाले सेटेलाइट फाइंडर में कनेक्ट है, और दूसरी KU बैंड LNB पर जो केबल लगी हुई है तो आप देख लें ब्लू कलर की है। तो ब्लैक कलर की पाक सेट 38 ईस्ट पर। तो चलें दोस्तों, अब मैंने वीडियो वाला सेटेलाइट फाइंडर लगा लिया है। तो सबसे पहले इस तरफ देख लें दोस्तों, यहाँ पर आपको पाक सेट की PTV की फ्रिक्वेंसी के सिग्नल नज़र आ रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी को देख लें दोस्तों, 4002 सिम्बर रेट है, 13333 पोलराइजेशन वर्टिकल। तो इसके देख लें दोस्तों, 9.5 dB तक हमें सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, बहुत अच्छे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, 10 dB तक भी जा रहे हैं। तो इस तरफ देख लें दोस्तों, जो न्यू सेटेलाइट पर हमने फ्रिक्वेंसी लगाई है, तो ये देख लें, ये वाली फ्रिक्वेंसी जो एक्सप्रेस 40 ईस्ट पर हमने लगाई थी उस सेटेलाइट फाइंडर पर, ये देखें 11470 सिम्बर रेट है, 4247 पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल। तो इसके देख लें दोस्तों, 72% हमें सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो ये देख लें दोस्तों, ब्लाइंड स्कैन के लिए सिंगल सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लाइंड स्कैन, तो ये सर्च कर लेते हैं, ये स्कैन हो रहा है दोस्तों। इस तरफ आप एक बार फिर PTV के सिग्नल देख सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको दोनों केबलें दिखा देता हूं। तो ये देख लें, दोनों केबलें
लगी हुई है और दोनों LNB के दरमियान कितना फासला है ये देख लें। बिल्कुल नज़दीक ही सेट किया है मैंने। अब देख लेते हैं कि ब्लाइंड स्कैन हो चुका है या नहीं। तो ये देख लें दोस्तों, सिर्फ़ एक चैनल ही हमें रिसीव हुआ है, वही जिस पर हमने ये फ्रिक्वेंसी लगाई थी। ये देख लें दोस्तों, यहाँ से अफगान TV और वतन HD वाली फ्रिक्वेंसी बंद हो चुकी है, सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी चल रही है। ये देख लें 11470 वाली, तो एक ही चैनल हमें मिल चुका है, संतरा TV। तो इसको देख लें, ये देखें संतरा TV, ये आपके सामने क्लियर चल रहा है, जिस पे RTA रशिया चल रहा है। तो चलें दोस्तों यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपको पाक सेट के बहुत अच्छे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो दोनों सेटेलाइट के आप सिग्नल देख लें दोस्तों, और दोनों की केबलें भी देख लें। आज दोस्तों मैंने आपको पाक सेट की साइड से Express 40 East KU Band सेटेलाइट लगा कर दिखाई है। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। चलें दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।